वेलकम गाइस इन न्यूडो एजाइल। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीरीज, जो मच अवेटेड सीरीज थी, जिसमें हम लास्ट के बचे हुए 15 डेज में 10-10 टॉपिक करके डेली का रिवाइज करेंगे, उस सीरीज का पहला लेक्चर आ चुका है। ये हमारी सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल सीरीज है पिछले बार, जिसमें अच्छा खासा रिस्पॉन्स, दूसरी बात 50 से 60 क्वेश्चन श्योर शॉट इन 150 टॉपिक्स से आए थे। अगर आपका रिविज़न थोड़ा सा लेस हुआ है या आपको रिवीजन करने में दिक्कत आ रही है, तो आप इस पैटर्न को फॉलो करो रिलीजियसली, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो चुका है, फिर भी एटलीस्ट आप इस लेक्चर, क्योंकि ये 5 से 6 मिनट का लेक्चर होगा, इस लेक्चर से गो थ्रू हो जाओ कि क्या ये टॉपिक्स हमने पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। क्योंकि प्रीवियस 25 ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके एक लिस्ट बनाई गई है टॉपिक्स की, जिससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको करना क्या है, सिर्फ इन टॉपिक्स को रिवाइज करना है, जिससे लास्ट मोमेंट में आपको एक तो कॉन्फिडेंस मिलेगा, दूसरी बात आपको मच अवेटेड जो क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं उससे रूबरू होने का मौका मिल जाएगा। देखिए, तो पहला लेक्चर है, शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार, सबसे पहले आपको मौलिक अधिकार पढ़ने हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। मौलिक अधिकार, जैसे कि आपको पता होगा, ये आपका भाग 3 में वर्णित है, कहाँ से कहाँ तक आता है, 12 से लेके 35 तक आपका मौलिक अधिकार होता है। क्वेश्चंस जो बनते हैं, संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को कहा गया है, ठीक है, 32 नंबर वाला। इसके अलावा 21 नंबर अनुच्छेद आपको पढ़ना ही पढ़ना है, उसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, मतलब कि विदेश भ्रमण का, और गोपनीयता का, राइट टू प्राइवेसी, किस में है आप बताओगे, 21। कन्फ्यूज किससे नहीं होना है, 19 नंबर आर्टिकल से। 19 नंबर आर्टिकल में क्या दे रखा है आप बताओगे, 19 नंबर में देश के अंदर कहीं भी घूमने का अधिकार दे रखा है। ऐसे टॉपिक्स को, ऐसे पॉइंट्स को आपको पकड़ना है जो कि पूछे जाएंगे। मौलिक अधिकार आपको पढ़ना है, इसके साथ में आपके जो मूल कर्तव्य होते हैं वो भी आपको पढ़ना है। पिछले बार का ही क्वेश्चन है, सीधे सीधे पूछा था कि कितने मूल कर्तव्य दे रखे हैं, 10, 11, 12, 13, बहुत सारे बच्चों ने 10 लगा के आया था, अभी 11 हैं। जब मूल रूप से संविधान बना था तब कितने कर्तव्य थे, 10 थे। ऐसे क्वेश्चंस उठाता है, पहला टॉपिक मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, उसके अंदर भी क्या क्या पढ़ना है ये देख लिया गया। दूसरी बात आपका नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व में आपको बताना है 36 से 51, इसमें से जैसे 50 नंबर आर्टिकल सेपरेशन ऑफ जुडिशरी वाला, ठीक है, इसमें शिक्षा से संबंधित कौन कौन से आर्टिकल हैं, लेबर वर्क वाला कौन सा है, प्रसूति वाला कौन सा है, ये सारे के सारे आपको टॉपिक्स देखने हैं, ठीक है। तो DPSP आप देख लोगे। इसके बाद आप देखो भारतीय शासन अधिनियम 1919 और 1935, सिर्फ और सिर्फ ये आप रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से पढ़ना मत शुरू कर देना, क्योंकि जो आपके सिलेबस में MPBC PSC के सिलेबस में 1919 और 1935 दे रखा है, तो सिर्फ और सिर्फ इसके 5 प्रोविज़न, और इसके आपके 5 प्रोविज़न उठा लेने हैं, पढ़ लेने हैं। कहाँ से पढ़ना है आपको, लक्ष्मीकांत अगर आपके पास है तो आप वहाँ से पढ़ लेना, या लूसेंट में दे रखा है, सोर्स भी हम बता दे रहे हैं आपको, वहाँ से इसको पढ़ लेना है। फिर संविधान सभा का निर्माण आपको पढ़ना है, ये टॉपिक्स आपके एक तो सिलेबस में दे रखे हैं, और जब प्रीवियस ईयर आप उठा के देखोगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इनसे बने हुए हैं। संविधान सभा का निर्माण, गठन समिति, कैसे, क्या, कब, कितने मेंबर, कितना टाइम, ये सारा का सारा आपको पढ़ लेना है। फैक्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, नामों में थोड़ा सा फोकस कर देना है कि कौन कौन मेंबर थे, कौन कौन नहीं थे, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। सोर्स लक्ष्मीकांत या लूसेंट, किसी से भी आप पढ़ सकते हो। टू द पॉइंट, अगर आप 5 मिनट या 10 मिनट एक टॉपिक को दोगे तो आपको लगभग 1.5 से 2 घंटे में इतना रिवीजन हो जाएगा। इसके बाद आपको एक FLT लगाना शुरू कर देना है, अब डेली का फुल लेंथ टेस्ट लगाना है आपको एक। इसके अलावा एक जो सीरीज हमने चलाई हुई है, कौन सी, लास्ट 15 डेज स्ट्रेटजी, उसमें सिलेबस को डिकोड करके आपको पढ़ाया जा रहा है। करना क्या है, सिलेबस को पॉइंट वाइज आपको डिकोड करना है, 2-2 यूनिट करके आपको 10 दे रखी हैं, 5 दिन में कवर करना है, और एक यूनिट का 200-100 क्वेश्चन वाले आपको पेपर लगाने हैं, इतना करना था। कल वाले के लिए हमने 2 यूनिट दे चुके हैं, अगला लेक्चर जो आएगा उस सीरीज का, उसमें अगली 2 यूनिट आपको मिलेंगी, और बताया जाएगा कि कौन कौन सी, कैसे कैसे, कहाँ कहाँ से पढ़ना है। इसके साथ आपको 200 क्वेश्चन यूनिट वाइज आपको लगा देना है उस
सीरीज के थ्रू। बचा हुआ आप ये टॉपिक्स, ये जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज है, इसके थ्रू आप रिवाइज करो और एक FLT लगाओ और उसका एनालिसिस करो। बाकी प्रीवियस ईयर की बात रही तो वो इन टॉपिक्स में और प्रीवियस जो हमने सीरीज चलाई है उसके थ्रू कवर ही हुआ जा रहा है। 5 आयोग आपको पढ़ने हैं, ये आज की आज आपको कवर कर लेना है। अगर आप मान लो 1-2 दिन बाद देख रहे हो तो आप उसी दिन से शुरू करो और उस पेस के साथ ही सारे के सारे टॉपिक्स रिवाइज करो। 5 आयोग में भारत और राज्य निर्वाचन आयोग, आप MP के हो तो MP वाला आपको कर लेना है, CAG पढ़ना है, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नीति आयोग, सिर्फ और सिर्फ ये 5 आयोग कर लेने हैं। बचे 5 आयोग किसी और दिन करवा देंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में आपको दे दिया जाएगा। इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं इसलिए आपको, अच्छा इनको पढ़ना कैसे है, एक आपको लिस्ट बना लेनी है कि कितने मेंबर हैं, कब निर्माण हुआ, क्या कार्य होता है, पदावधि क्या होती है, नियुक्ति कौन करता है, हटाता कौन है, वर्तमान में कौन है, सबसे पहले कौन थी। सिर्फ और सिर्फ इस लिस्ट के थ्रू आपको ये सारे के सारे आयोग रिवाइज करना है, क्योंकि आप रिवाइज कर रहे हो, पहले तो आपने पढ़ ही रखा है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। मध्य प्रदेश की जातियाँ जिलेवार वितरण पढ़ लेना है आपको कि कहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है, कहाँ सबसे कम पाई जाती है, और थोड़ा सा इसको आप कोरिलेट कर देना जातियों को त्यौहार से भी कि कौन सी जाति का कौन सा त्यौहार है, और जनजातीय व्यक्तित्व को भी साथ में आप थोड़ा सा कोरिलेट करना, तो 3 टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे इसी जाति वाले से। फिर आगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ आंदोलन, पूरे के पूरे आप आंदोलन पढ़ लो और पढ़ डालो, और जो धार्मिक सुधार आंदोलन है उसको भी आप इसी में कोरिलेट कर लेना, पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। बंग भंग आपका मेन तो 1885 कांग्रेस के निर्माण के बाद से 1947 के बीच में जितने भी आंदोलन हुए हैं, गांधी जी का 1914 1915 में वापस आना, जितने भी वहाँ पे असहयोग आंदोलन हुआ, एक क्रोनोलॉजी में आप एक पेज में लिख लेना और थोड़ा सा उसके बारे में फैक्ट्स, बस प्रीवियस ईयर जरूर थोड़ा सा इसको टच करवा देना। महत्वपूर्ण अनुच्छेद और महत्वपूर्ण संशोधन, महत्वपूर्ण संशोधनों में जैसे कि आपका 100, 101, 102, 103, 104 तक पूरा का पूरा कर लेना है आपको। महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में जैसे आपका 79 हो गया, 123 हो गया, 213 हो गया, ठीक है, 110 हो गया संयुक्त बैठक वाला, 108 हो गया, ये लिस्ट आपको लूसेंट में मिल जाएगी, सीधे सीधे आप वहाँ पे उठाना और पढ़ लेना। अगर आपको दिक्कत आ रही कमेंट बॉक्स में लिखो या मेल कर सकते हो आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, और अगर थोड़ा सा भी आपको सपोर्ट समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारा थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता है। तो अनुच्छेद हो गया, संशोधन हो गया, इसके बाद आपको पढ़ लेना है वित्तीय संस्थाएं। वित्तीय संस्थाओं में आपको सिर्फ 2 पढ़नी है, रिजर्व बैंक और सेबी, वर्तमान में इनके अध्यक्ष कौन है, पहले कौन थे, कब इसका निर्माण हुआ, क्या कार्य होता है, सिर्फ ये 4 आपको आयाम कवर करने हैं। इतना सा आपको आज का टास्क कंप्लीट करना है, इसको करने के बाद आप किसी भी इंस्टीट्यूट का 1 FLT लगाओ, बस 15 दिन में 15 FLT लगाओ कि मतलब आप 100 क्वेश्चन वाले 1500 क्वेश्चन कर जाओगे। इसके अलावा जो हम 200 क्वेश्चन यूनिट वाइज कर रहे हैं, 2000 क्वेश्चन आप वहां से कर लोगे, और ये सारे के सारे टॉपिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ सकते हैं प्रीवियस ईयर ट्रेंड को देखते हुए वो आप कवर कर लोगे। तो 15 दिन में अगर आप 3500 क्वेश्चन लगा के जा रहे हो उनकी एनालिसिस के साथ, और प्रीवियस ईयर आपने पूरा का पूरा एनालाइज कर लिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज भी कवर कर ली, और करंट अफेयर का जो मास्टर वीडियो हम लेके आ रहे हैं, अगर आपने इतना कर लिया तो आप खुद से खुद की बुद्धि लगा के सोचो क्या आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सारा का सारा खेल यहाँ पे आत्मविश्वास का है, और इस आत्मविश्वास के साथ जब आप वहाँ जाओगे तो लिटरली आप फोड़ के आओगे। सोचो समझो, अगर आप अपनी टैक्टिक्स से या स्ट्रेटजी से सही तरीके से रिवाइज कर पा रहे हो तो आप सिर्फ और सिर्फ उसी को फॉलो करो, और अगर नहीं तो एक बार सोच के देखो क्या ये आपको सही नहीं लग रहा। हमने भी इसी तरीके से किया था प्रीवियस ईयर, जो पिछला प्री हुआ था उसमें भी हमने यही चीज़ करवाया था, और बच्चों के कमेंट आए थे, बहुत ज़्यादा उनका मोटिवेशन बढ़ा, कॉन्फिडेंस बढ़ा, और लिटरली प्रीलिम्स बहुत सारे बच्चों का क्वालिफाई हुआ था। फॉलो करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट हम आपको करेंगे, आप हमें करेंगे। दूसरी बात, डरना बिल्कुल भी नहीं है, और जो चीज़ आपने चुनी है, हम बार बार कहते हैं, इसीलिए कहते हैं क्योंकि आपने इतना बड़ा सपना देखा है, इस चीज़ के लिए अपने आप पे आप पहला तो भरोसा रखो, दूसरा कि अच्छा महसूस करो कि हमने कुछ बड़ा चूज किया है। बड़ा आपका लक्ष्य है, बाधाएं भी बड़ी होंगी, बट
उन बाधाओं से आप बहुत ऊपर, इतना आप याद रखना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दूसरा आपका यूनिट वाइज भी हम अभी दे रहे हैं कि कैसे कैसे करना है, कहाँ से करना है, टास्क आपको कवर करना है कम्प्लीटली।